This is Prakash sir. In this video, we will discuss about volcanic mountain. After that, we will discuss residual mountain. Then finally, importance of mountain. This is last video of your chapter 3. After that, we will move in chapter 4. So let's start. Volcanic mountain. So you also identified this with the name of volcanic mountain. So here one word indicate volcanic, that means ke aisa koi mountain jo ki volcano se milke bana hoga. Volcano ka word sunte hi mind mein aata hai hamare lava, theek hai. तो ऐसे माउंटेन जो कि अर्थ के अंदर प्लेटों के मेल्ट होने से हाई प्रेशर के कारण वो अर्थ सरफेस के बाहर आते हैं. अर्थ सरफेस के बाहर आने के बाद वो रेडियल डायरेक्शन में फ्लो होते हैं और लेयर टू लेयर डिपॉजिट होती जाती है. किसकी? कंपोजिट या मोल्टेन मटेरियल की, माउंटेन के चारों तरफ. तो माउंटेन बड़ा होता जाता है, स्लाइटली इंक्रीज होता जाता है. तो ऐसे जो माउंटेन बनते हैं वो माउंटेन कहलाते हैं हमारे वोल्केनिक माउंटेन. तो वोल्केनिक माउंटेन और सिंपली वोल्केनो आर फॉर्म्ड व्हेन द मोल्टेन मटेरियल फाउंड विथिन द अर्थ एक्यूमुलेट्स ऑन द सरफेस एज लावा एस एंड अदर डेब्रिश. दैट मीन के ऐसे माउंटेन या ये वो माउंटेन होते हैं जो कि अर्थ सरफेस के अंदर जो भी मोल्टेन मटेरियल रहता है वो लावा एस और अदर काइंड ऑफ मटेरियल के फॉर्म में अर्थ सरफेस से बाहर निकलता है और उसके डिपॉजिट होने से जो माउंटेन क्रिएट होते हैं वो वोल्केनिक माउंटेन होते हैं. वोल्केनोज आर जनरली सिंगुलर फीचर रिजल्टिंग फ्रॉम डीप सीटेड एक्टिविटी long along fissures or fault zone where superheated material find access to the surface of the earth. ये जो mountain है वो क्या, वो किसका result होते हैं कि ये deep seated activity का result होते हैं. That mean कि जब मैंने आपको इसके पहले fault mountain में बताया था कि two mountains के बीच में जो fault create होते हैं या fault के create, अब fault कब create होते थे, जब प्लेट या तो राइज अप करती थी या एक डाउन अप जाती थी, है ना, या हॉरिजेंटल स्लाइड होती थी. तो वहाँ पे फॉल्ट क्रिएट होते थे. वो फॉल्ट क्रिएट होने के बाद अब अर्थ सरफेस के अंदर जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जो भी मोल्टन मटेरियल है, तो उसको स्पेस मिल जाता है बाहर निकलने का. तो वहाँ से वो बाहर निकलते हैं और लावा के फॉर्म में फ्लो होते जाते हैं और धीरे धीरे वही लावा कंपोजिट होके क्या करता है, एक माउंटेन क्रिएट कर देता है. देन दे ऑकर इन ग्रुप और इन लीनियर चेन. ये जो लावा है या ये जो माउंटेन है ये या तो ग्रुप में होते हैं या लीनियर चेन बनाते हुए आगे बढ़ते हैं. देन वोल्केनोस आर फाउंड ऑन ऑल द कॉन्टिनेंट एंड कंप्राइज अ सब्सटेंशियल परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड माउंटेन. वोल्केनोस लगभग सभी कॉन्टिनेंट में मिलते हैं. इसके बाद है कंसिडरेशन नंबर ऑफ वोल्केनो आर फाउंड अंडर द ओशियन. मतलब बहुत से वोल्केनो रहते हैं जो कि ओशियन के अंदर पाए जाते हैं. मोस्ट ऑफ द आइसलैंड आर समिट ऑफ द अंडरसी वोल्केनो. जो आइसलैंड हैं, काफ़ी सारे ऐसे भी आइसलैंड हैं जो कि अंडर वाटर, दैट मीन कि ओशियन के अंदर जो वोल्केनिक विस्फोट हुआ है उसके इरप्शन से वो क्रिएट हुए हैं. देन वोल्केनो आर चीफली फाउंड इन द टू जोन ऑफ द अर्थ. जो वोल्केनोस हैं वो सबसे ज़्यादा अर्थ के टू जोन पे मिलते हैं. एक मिलते हैं सबडक्शन जोन पे, देन मिलते हैं हॉटस्पॉट जोन पे. अब यहाँ पे बात आती है हॉटस्पॉट जोन. तो हॉटस्पॉट जोन वो जोन होते हैं जहाँ से थर्मल सेंटर पर मोल्टन मटेरियल राइज फ्रॉम द अर्थ. मतलब कि मोल्टन मटेरियल अर्थ सरफेस से बाहर निकलता है. मोल्टन मटेरियल का मतलब पिघला हुआ मटेरियल जो कि अर्थ के नीचे है.
अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या है? अर्थ थ्री लेयर से बन के मिलके बना हुआ है, स्याल, सीमा एंड क्रोड। ठीक है, तो क्रोड जो हमारा मटेरियल है, जो लास्ट है अर्थ का, तो क्रोड में क्या है, सारा जो भी मटेरियल हो मोल्टेन फॉर्म में है। तो ये क्या करता है, धीमे धीमे राइज अप होता है और कहीं ना कहीं अर्थ सरफेस के बाहर निकलता है, जो भी वीक पॉइंट होता है वहां से। तो वो एरिया हमारा वोल्केनिक जोन बन जाता है। दे आर ऑफ टू टाइप, अब इनको भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंपोजिट कॉन एंड सील्ड वोल्केनोज। अब देखो कंपोजिट कॉन, अब कंपोजिट कॉन क्या है कि आप यहाँ पे ये देखिए, सपोज ये हमारा माउंटेन है, ठीक है, यहाँ से वोल्केनो करप्शन हुआ और रेडियल पैटर्न में इसका लावा फिलो हुआ, दैट मीन इस डायरेक्शन में फिलो हुआ, ये इस डायरेक्शन में फिलो हुआ, देन इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ, देन ऐसे चारों तरफ रेडियल पैटर्न में फ्लो हुआ, तो वो क्या होगा, फिर वो डिपॉजिट होगा सारा लावा और एस, तो वो क्या करेंगे, इस माउंटेन को बढ़ाते जाएंगे ऐसे। देन आता है सील्ड वोल्केनो। तो सील्ड वोल्केनो क्या रहता है, अब ये लावा निकला, ये यहाँ पे है, यहाँ से ये फ्लो होता हुआ आगे बढ़ रहा है ऐसे, तो यहाँ पे ये स्टोर हो गया, तो ये एक लो हाइट का माउंटेन टाइप का क्रिएट कर दिया, एक सील्ड क्रिएट कर दी, लेयर बन गई है। तो ये जो हमारा इस टाइप से जो डिपॉजिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सील्ड वोल्केनोस या सील्ड वोल्केनोस बोलते हैं हम इनको। ये क्या रहते हैं सील्ड वोल्केनोस, ये जनरली ऐसे फैले हुए रहते हैं, इनकी हॉरिजेंटल लेंथ ज़्यादा रहती है कंपेरिजन टू वर्टिकल हाइट, और ये धीमे धीमे ऐसे विस्फोट होते रहते हैं और लावा फ्लो होता रहता है। देन कंपोजिट कॉन आर प्राइमरली फाउंड अराउंड द मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ये कहाँ मिलते हैं, कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन पे, दे हैव अ सर्कुलर जेंटली स्लोप बेस एंड अ स्टीप समिट। इनका क्या रहता है, ये सर्कुलर टाइप में रहते हैं जो कि मैंने आपको बताया ऐसे, देन स्लोप बेस रहता है, स्लोप पाए जाते हैं ऐसे, हाइट नहीं रहती है इनमें, स्लोप रहता है ऐसे, देन स्टीप समिट होता है। अब यहाँ पे टू माउंटेन, टू वोल्केनोस माउंटेन का नाम लिया गया है, एक लिया गया है फ्यूजियामा, देन किलिमंजारो, एंड वेरियस आर सम एग्जांपल ऑफ सील्ड वोल्केनोस। तो सील्ड वोल्केनोस के एग्जांपल क्या है, यहाँ पे फ्यूजियामा एंड किलिमंजारो। देन नेक्स्ट पॉइंट रेसिडुअल माउंटेन। अब देखिए ये रेसिडुअल माउंटेन क्या होते हैं, ये वो माउंटेन होते हैं जो विंड के साथ जो सेडिमेंट आता है, ठीक है, वो कंटिन्यू डिपॉजिट होता जाता है और माउंटेन की हाइट इंक्रीज होती जाती है, या वाटर के साथ जो सेडिमेंट इंक्लूड होके आते हैं उनके डिपॉजिट होने से जो माउंटेन क्रिएट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल माउंटेन बोलते हैं। इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, ये सेडिमेंट के डिपॉजिट से क्रिएट होते हैं। रेसिडुअल माउंटेन आर फाउंड ड्यू टू द एक्शन ऑफ डेनुडेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, साउथ सरफेस पे डेनुडेशन के कारण होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिलेक्ट और रिमेंट माउंटेन एज दे हैव बीन फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन बाय एजेंट लाइक रिवर, ग्लेशियर एंड विंड ऑन द एक्सिस्टिंग माउंटेन। मतलब ये क्या, इरोजन प्रोसेस के थ्रू होते हैं कि ग्लेशियर का इरोजन होना, ठीक है, या विंड इरोजन के कारण। देन माउंट मोनाडोंग, माउंट मोनाडोंग इन द यूनाइटेड स्टेट, द एप्लाचेंस एंड साइरा नेवाडा इन नॉर्थ अमेरिका एंड द अरावली इन इंडिया आर सम एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल हैं, रेसिडुअल माउंटेन के। दीज आर लो एल्टीट्यूड माउंटेन विद जेंटल स्लोप, ये क्या है, लो एल्टीट्यूड माउंटेन है जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है और स्लोप इनका जेंटल होता है, मतलब एक समान स्लोप होता है ऐसे, ऐसा नहीं कि कहीं पर स्लोप ऐसा ज़्यादा होगा फिर कहीं पर कम होगा, सेम स्लोप रहता है। देन थर्ड पॉइंट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन, माउंटेन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है, माउंटेन एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर, ये नेचुरल बैरियर के फॉर्म में
फॉर्म की तरह वर्क करते हैं, ये नेचुरल बैरियर हैं, ठीक है। जैसे कि हिमालय, तो हिमालय क्या है, नेचुरल बैरियर है। इसी हिमालय माउंटेन के थ्रू ही क्या रहता है कि जो इंडिया के टेम्परेचर है ना वो राइज अप रहता है। अदरवाइज यूरोप से जो कोल्ड विंड रहती हैं वो क्या कहती है, हिमालय से टकरा के वापस उसी डायरेक्शन में मूव हो जाती हैं। देन इन्फ्लुएंस क्लाइमेट बाय कॉजिंग ऑरोग्राफिक रेनफॉल एंड ऑल्सो एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर। क्या होता है, और जो क्लाउड्स रहते हैं वो इन माउंटेन से टकरा के जो भी रेन रहती है वो सारी वहीं पे कर देते हैं, तो ये नेचुरल बैरियर के थ्रू भी काम करते हैं। नहीं तो बहुत सारे साइक्लोन और थंडर स्टॉर्म एंड साथ ही फ्लड, ये सारे इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। देन सेकेंड पॉइंट है, ग्लेशियर फाउंड इन द माउंटेन आर अ सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर। फॉर एग्जाम्पल द रिवर गंगा ओरिजिन फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। मतलब सेकेंड पॉइंट में ये बोला गया है कि जो माउंटेन है ये बहुत सारी पेरिनियल रिवर का सोर्स है, ठीक है। अब पेरिनियल रिवर का मतलब रहता है ऑल सीजन रिवर, जो साल के 12 मंथ में फ्लो होती है, जो कभी नहीं सूखती। तो ऐसे तो जो ग्लेशियर माउंटेन है तो उनका ये एडवांटेज है कि वो पेरिनियल रिवर का सोर्स है। मतलब ग्लेशियर मेल्ट होता है तो वो क्या कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, और वो लिक्विड फ्लो होता है, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ रिवर। देन थर्ड पॉइंट बताया गया यहाँ पे, माउंटेन स्लोप आर आइडियल फॉर रियरिंग कैटल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेल्दी हेल्दी पास्चर्स। द माउंटेन रीजन आर ट्रेस फॉर कल्टिवेटिंग अ वेराइटी ऑफ क्रॉप सच एज टी फ्रूट एंड राइस। द डेंस वेजिटेशन फॉर्म इन द माउंटेन इज होम फॉर मैनी एनिमल एंड बर्ड। लार्ज रिजर्व ऑफ टिम्बर एंड मेडिसन आर ऑल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। दैट मीन यह थर्ड पॉइंट पे बताया गया है कि जो माउंटेन है, ठीक है, उनके जेंटल स्लोप होने के कारण, जैसे कि टी, आपने देखा होगा जो चाय के बागान रहते हैं उनको सिंपल या प्लेन प्लेस पे नहीं लगाया जाता, वो जेंटल स्लोप पे यूज किए जाते हैं क्योंकि उसमें वाटर को स्टोर नहीं होना चाहिए, तो कल्टीवेशन पर्पस से भी यूज होते हैं। देन बहुत सी स्पीसीज का होम भी होता है माउंटेन, वैरायटी ऑफ स्पीसीज इस माउंटेन में, क्योंकि माउंटेन में पता है कि फॉरेस्ट ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज भी रहती हैं, तो उनका होम रहता है। देन बहुत सारे जो फ्रूट हैं उनके ट्री भी माउंटेन पे ग्रोथ करते हैं। तो देन यहाँ पे वेजिटेशन फाउंड, मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन माउंटेन पे मिलते हैं। देन लार्ज रिजर्व ऑफ टिम्बर एंड मेडिसन आर ऑल्सो फाउंड इन द फॉरेस्ट। जो माउंटेनी फॉरेस्ट रहते हैं वहाँ पे बहुत सारी टिम्बर की जो ट्री रहते हैं वो मिलते हैं, क्योंकि टिम्बर का यूज होता है बहुत सी इंडस्ट्रीज में। और देन यहाँ पे जो बताया गया है कि बहुत सारी मेडिसन, मतलब बहुत सारे ऐसे पौधे भी वहाँ पे मिलते हैं जिससे कि काफ़ी अच्छी मेडिसन क्रिएट की जा सकती है। तो ये मेजर यूजफुल यूज है माउंटेन का यहाँ पे। देन फोर्थ वन है, माउंटेन आर ऑल्सो फेमस फॉर साइनिक ब्यूटी, दे आर आइडियल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन अगर हम बात करें तो माउंटेन का काफ़ी इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि हिली एरियाज में जो कैंप्स वगैरह रहते हैं वो अरेंज किए जाते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो मसूरी हुआ, हमारा ऊटी हुआ, दार्जिलिंग हुआ, तो ये एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे फोर यूज बताए गए हैं माउंटेन को। यू हैव टू लर्न दिट यू हैव टू लर्न यू शुड हैव टू लर्न दिज ऑल पॉइंट बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम प्रोस्पेक्टस ऑल्सो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो।